सेंटरों में चल रही थी अनैतिक गतिविधियां, 21 युवक युवतियां हिरासत में। नमस्कार, मैं हूं रिया विप्लियाल, आप देख रहे हैं MP 7 न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए उज्जैन की विशेष खबर। उज्जैन पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्पा सेंटरों पर छापामार कार्यवाही की है। 7 सेंटरों पर जांच के बाद 3 में संदिग्ध गतिविधियां होती पाई गई। यहां से 21 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। युवक उज्जैन के हैं, वहीं युवतियां असम, मिजोरम, मणिपुर की बताई गई हैं। पुलिस ने इन तीनों स्पा सेंटर के मालिक और मैनेजर के खिलाफ टीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को स्पा सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों के चलने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर शनिवार को पुलिस ने स्पा सेंटरों की जांच करने हेतु एक टीम भेजी। अलग अलग इलाकों के 7 सेंटरों पर दबिश दी गई। इनमें फ्रीगंज क्षेत्र के 3 स्पा सेंटरों पर पुलिस को संदिग्ध गतिविधियां नजर आई हैं। तीनों सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। यहां से पुलिस ने 21 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। इनमें स्पा सेंटर्स के मालिक, मैनेजर और कस्टमर के साथ कर्मचारी युवतियां भी शामिल है। CSP विनोद कुमार मीना के मुताबिक 3 स्पा सेंटर से देह व्यापार संचालित करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन स्पा सेंटर के मालिकों और मैनेजर के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया है, आजाद नगर मून थाई आरबी जोन के सामने ओसम और हार फूल की गली में रिलैक्स स्पा सेंटर पर आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर वहां से 12 लड़कों और 9 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि युवतियां असम, मिजोरम, मणिपुर की रहने वाली हैं। वे कई महीनों से यहीं रह रही थी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP 7 न्यूज़।